तो बच्चे हमें करना क्या है भाई, हमें करना है ट्रायंगल। क्या करना है? सो वी आर डूइंग अबाउट ट्राइंगल, हम कर रहे हैं भाई ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है हमारे पास में, दिख रहा है? दिख रहा है? बाद में नोट करना, अभी समझ लो सर, ध्यान से समझो। देखो ट्राइंगल्स क्या है आपके पास में, ट्राइंगल्स हमारे पास में जो है वो एक प्लेन फिगर है जो हमने लाइन सेगमेंट से बनाया। किससे बनाया भाई? लाइन सेगमेंट से। इसको हम पॉलीगन भी कह सकते हैं। और कैसा पॉलीगन? थ्री साइडेड। इसके तीन साइड्स हैं हमारे पास। कितने साइड्स हैं? तीन साइड्स हैं और तीन ही एंगल्स हैं। थ्री साइड्स थ्री एंगल्स, ए बी सी। तीन साइड है आपके पास, ए बी बी सी और सी है। तीन साइड्स ए बी बी सी और सी है। एंगल्स आपके पास एंगल क्या है? एंगल बी ए सी। देखो एंगल की नेमिंग को समझो, बी ए सी, मैं ए बताना चाह रही हूं तो ए बीच में, ए बीच में, बी ए सी, ऐसी एंगल, इसको क्या नाम देंगे बताओ? सी बी ए, या फिर एंगल ए बी सी और एंगल सी। एंगल ए सी या फिर एंगल बी सी है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारे पास में इसके बेसिक से कंपोनेंट्स। कि आपके पास में बेसिक से कितने तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, छह कंपोनेंट्स, मतलब तीन साइड्स और तीन एंगल्स हैं। अब हमारे पास कई टाइप्स के ट्राइंगल के पास में, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले करते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या होता है भाई स्केलन? ट्राइंगल बताओ। क्या हुआ? सिट्टी बिट्टी गुल है भाई, सिट्टी बिट्टी गुल हो गए तुम्हारी जल्दी। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये 2। सारी साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं। होती है आइसोसेलेस में, वो आगे की सिटी बिट्टी। अच्छी बात है, याद होनी चाहिए। दो साइड के पास में इक्वल होती है, ए बी इक्वल्स टू, कोई भी टू साइड आपके पास में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल भाई, इसमें हमारे दो साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल बताइए क्या इक्वल? हाँ इक्वल होती है आपके पास में, बी ए सी के इक्वल है बी सी के। इवन साइड्स ही नहीं, सारे एंगल्स भी क्या होते? इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इसमें, सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपके पास में क्या होते हैं? राइट ट्राइंगल क्या होगा? कोई भी एक एंगल, सारे नहीं, एक एंगल, एनी वन एंगल इज 90। सारे तो हो ही नहीं सकते भाई, एक एंगल आपके पास क्या होता है? 90। तो उसे कहेंगे ट्राइंगल। क्या कहेंगे? चाहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। क्या होगा? सॉरी
सुना है कभी ये शब्द उड़ती चिड़िया? दिल्ली से कम होता है। हाँ ये हमारे पास आर लेस एक्यूट में क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। ऑब्ट्यूज में सारे एक एंगल, वन एंगल इज मोर देन 90। बेटा दो हो गए तो क्या होगा, एंगल सेटिस्फाई नहीं, तो कहेंगे ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। समझ? तो ये तो है बेसिक सी बात, ट्राइंगल क्या, हमारे पास में ट्राइंगल कैसे बनता है, आपके पास उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसको आप कैसे कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमारे पास में आ गए बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्सेप्ट है जैसे देखो हम ले टक हमने लिए दो ट्राइंगल। ओके अब देखो वैसे क्या लग रहे हैं कि एक ही ट्राइंगल है तो दो डिफरेंट ट्राइंगल, पर क्या दिख रहे हैं कि भाई एक ही ट्राइंगल है आपके पास में। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पे रखूं, क्या इसको ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट क्या होता है, हमारे पास में ऐसे ट्राइंगल्स जो एक दूसरे को जो है वो ओवरलैप कर लेते हैं। मतलब ट्राइंगल है तो शेप में एक जैसा ही, देखो थर्ड ट्राइंगल भी ट्राइंगल ही है, तीन साइड से और तीन एंगल से बना हुआ है हमारे पास में, पर जब आप उसको फर्स्ट या सेकेंड ट्राइंगल पे रखेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा हमारे पास में। क्या करेगा? ओवरलैप नहीं करेगा। ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर, तो यहाँ पे आपके पास में ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है, क्यों कॉन्ग्रेंट है हमारे पास, क्योंकि वो एक दूसरे का ओवरलैप कर ले रहे हैं कंप्लीटली। अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब इन क्या है, इक्वल। सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल आर इक्वल ऑल, पर जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो हमारे पास, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो आपके पास में। पर हमें क्योंकि ट्राइंगल के मेन डायमेंशंस कितने हैं भाई, ट्राइंगल के मेन डायमेंशंस आपके पास में तीन है, तो जब भी हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो हमारे पास तीन डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, भी इक्वल। अब वो तीन डायमेंशंस क्या हो सकती है आपके पास में, एंगल साइड एंगल। जैसे देखो अगर मैं दो ट्राइंगल ले रही हूं, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिया आपके, ए बी सी एफ, और मैंने आपको क्या दिया, मैंने दिया एंगल इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के एफ के इक्वल है। ठीक है, और इनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल है, याद रखो इंक्लूडेड साइड। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, जो सिंबल मिल रहा है ना उससे पहचाना, सी ई के इक्वल है, बी एफ के इक्वल है और बी सी इक्वल हो जाएगा एफ ई के, तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज, ये है कॉन्ग्रेंट का सिंबल, ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आई बात, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू
एफ क्या हुआ? ये तो उसके लिए ना, छिपकली के लिए नहीं आ रही ना। नहीं, कहाँ गिर रहा है? अच्छे से इसमें फंसा हुआ है बेटा, नहीं गिरेगा। समझ में आई बात? कौन? ये हो गया आपके पास में एएसए रूल। क्या हो गया? एएसए कॉन्ग्रेंस रूल। ऐसे आपके पास में है साइड एंगल और साइड। दूसरा रूल क्या है आपके पास में? साइड एंगल और साइड का रूल आपके पास में। आपके पास अगेन दो ट्राइंगल है। आपके पास ये दो ट्राइंगल है मान लो, और आपको क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ई और एफ। आपको दिया है ए बी इक्वल है डी के और ए डी इक्वल है ए एफ, ए सी इक्वल है डी के, डी एफ के, और साथ में क्या है? इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल। मतलब क्या दे दिया आपको? आपको दे दिया ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ एंड एंगल, एंगल ई डी एफ। तो भाई आपके पास ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग जाएंगे। बी ए डी नहीं है, बी ए सी है। कैसे? एस ए एस साइड एंगल साइड कौन सा इक्वल टू पे एस बना दो, लेटा हुआ एस। समझ बात? ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास में ए ए एस, मतलब एंगल एंगल साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास में दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जिनकी एंगल आपस में इक्वल है, अब इंक्लूडेड साइड नहीं, कोई दूसरी साइड, ये दोनों साइड है ए बी सी डी ई एफ, तो आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, या एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, और साथ में दे दिया क्या ए सी इक्वल टू है डी एफ ई। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, पर किससे? ए ए एस से। समझ में आई बात? यस और नो? ऐसे आपके पास में एस एस रूल भी है हमारे पास में कि सारी साइड्स आपस में इक्वल हो, और आर एच एस रूल को समझना जरूरी है। आरएचएस का मतलब क्या है? दो ट्राइंगल है आपके पास में ए बी सी डी ई एफ, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब, तो हाइपोटन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और फिर कोई भी साइड वाली भी ऊपर वाली भी कोई भी साइड हो सकती है। अगर ये है तो हम कहेंगे भाई आरएचएस से आपके पास में इक्वल है। समझ में आ गई बात? रूल समझ में आ गए? चलिए पहली थ्योरम करते हैं इसी बात पे। फिर पहली थ्योरम है आपके पास में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इक्वल क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या है आपके पास में? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, राइट? आइसोसेलेस का मतलब होता है हमारे पास में कि भाई दो साइड आपस में क्या है?
इक्वल है आपके पास में। तो कहता है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इफ यू हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है आपके पास, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब दो साइड्स इक्वल, तो ए बी इक्वल सी ले लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये दिया हुआ है, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ क्या करना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड के ऑपोजिट, ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी। तो हमें प्रूफ यही करना है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है, इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। भाई प्रूफ कैसे करें, करेंगे प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है आपके पास। तो अगर आप ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बी और सी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, सी पी टी सी टी से। पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो भाई दो ट्राइंगल हो गए, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसी तरह से लिखना है, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी के पास में, आपको सबसे पहले गिवन है वो लिखो, ए टू ए सी गिवन, ए डी किसके इक्वल होगा, वेरी गुड भाई, बी ए डी इक्वल हो जाएगा सी ए डी के, क्यों, ए डी बाइसेक्टर है कि नहीं, एंगल बाइसेक्टर है। और तीन चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए ना, तीसरी चीज बताओ, परपेंडिकुलर राइट एंगल, थोड़ी ना बेटा, ए डी ए डी कॉमन हो जाएगा, कॉमन, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास में, दोनों ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय रूल, कौन सा रूल, रूल बताओ, कौन सा रूल लगेगा, वेरी गुड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल में देखो और फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया बाय सी सी टी, समझ आ रही है बात, टी के नॉट प्लेस की सी टी, पक्का जी क्लियर, अब इसी का उल्ट अगली थ्योरम क्या कहते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, देन ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब उल्टा दे दिया, पहले क्या दिया था कि साइड्स इक्वल हैं, पहले क्या दिया था कि साइड्स
और एंगल इक्वल प्रूव कर। अब क्या कह रहा है कि भाई ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो साइड्स को प्रूव करो कि साइड्स आपके पास में इक्वल हो। बताइए कौन बताएगा क्या किया जाए? ये इक्वल दे रखे, बोलो क्या किया जाए? बोलो बेटा जल्दी बोलो। हाँ हाँ पर पहले गिवन, पहले गिवन क्या इन ट्राइंगल एबी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी टू प्रूव ए बी है इक्वल ए सी के। बताइए क्या करेंगे आप? क्या कह रहे थे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करें? वही कहते हैं ड्रॉ ए डी एंगल ऑफ ए। इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल हो गए एंगल। अब क्या हो जाएगा प्रूफ? बताओ क्या लिखा जाए? लिखने का तरीका अभी बोला ना, ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? ट्रायंगल की बात हो रही। यस, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। आगे एडी कॉमन और बताइए क्यों? एंगल बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर थोड़ी ना है। बताइए क्यों क्यों क्यों? बोलो बेटा फटाफट बोलो। या और कुछ इक्वल नहीं है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो तभी होता जब वो लाइन बाइसेक्टर होता है, मिड पॉइंट होता। हाँ बोलो फिर, बोलने में क्या जा रहा है? एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, क्यों? यस गिवन है। और क्या और क्या बेटा जी? कोई और चीज इक्वल नहीं दे रही? कोई और चीज इक्वल नहीं दे रखा क्या? बेटा कंस्ट्रक्शन क्या किया है?
हमने जो है वो बाइसेक किया है। तो जब आपने बाइसेक किया तो उससे क्या बाइसेक्ट हुआ है? ट्राइंगल बाइसेक्ट हुआ है, एंगल बाइसेक्ट हुआ है ना बेटा, ट्राइंगल थोड़ी ना हुआ है, एंगल बाइसेक्ट हुआ है। बाइसेक का मतलब क्या हुआ? वो एंगल क्या होगा? इक्वल पार्ट्स होगा, तो क्या होगा इक्वल? दोनों एंगल ए थोड़ी ना होएगा। आप नेमिंग करो ना, इसकी नेमिंग क्या होगी? बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। यस और नो? क्या आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो? कौन सीपीसीडी से ट्राइंगल थोड़ा ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ तो कौन से पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताओ, कौन से रूल से हुए हैं? बताइए कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए? बेटा आरएचएस के लिए तो एक एंगल 90 चाहिए होता है, क्या इसमें से कोई एंगल 90 है? बताओ बताओ। जो चीज इक्वल है उसी को देखो ना, क्या है आपके पास? एंगल, एंगल और साइड, तो बाय एस किससे है? बाय, अब सीपीसीटी से क्या आ जाएगा? यस, तो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू एस। दिखाओ, और कोई थ्योरम है? अरे ये तो बाद की थ्योरम है। ओके चलो अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं कॉन्ग्रेंस पे। ये तो बाद की थ्योरम करनी थी, कोई नहीं अब कर दी, तो कॉन्ग्रेंस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो आपके पास क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, कर दिया ड्रॉ, नाम भी दे देती हूँ ए बी और सी। अब बोलो
इक्विलेटरल का मतलब क्या है? सारी साइड्स इक्वल है तो पहले हमें सारी एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास आ गया ए बी क्यों? क्योंकि ट्राइंगल है आपके पास, है ना। अब हमें पता है कि अगर दो साइड एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा? एज ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। राइट, ऐसे अगर मैंने ले लिया एज ए बी, और अभी लिया था ए बी और ए सी ना, अब ले लेती हूँ एज बी सी एंड ए सी। अब बी सी और ए सी क्या है? इक्वल है आपके पास में, तो बी के ऑपोजिट, बी सी के ऑपोजिट क्या है? एंगल ए, और ए सी के ऑपोजिट क्या है? एंगल बी। तो ये आ जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए सी के ऑपोजिट में क्या है? एंगल बी। राइट, अब इसको वन ले लेते हैं और इसको टू ले लेते हैं। तो वन एंड टू से क्या आ गया? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय वन एंड टू, क्योंकि बी ए के इक्वल है और बी सी के इक्वल, तो आपस में भी इक्वल हुए ना। तो भाई आ गया आपके पास में इक्वल, तो अब लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों ट्राइंगल्स के एंगल, अब तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं बी की जगह ए और सी की जगह पे भी ए लिख सकती हूँ। यह आ गया थ्री एंगल ए इक्वल्स टू 180, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू 60। यही प्रूफ करना था, और क्योंकि एंगल ए बी और सी के इक्वल है, तो मतलब अगर ये भी 60 है तो ये भी 60 है। समझ में आई बात? पक्का? चलो एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। तो ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, ए बी सी, पी क्यू आर। कहते हैं कि अगर आपके पास में ए डी एंड पी एस आर मीडियन, कहते हैं ए डी एंड पी एस आर मीडियन ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, प्रूव द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ। बताओ क्या करेंगे? भाई मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? अभी बताया था जो इक्वल पार्ट्स में कट करता है, साइड बाय सेक्टर कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? ए डी एंड पी एस आर मीडियन, अगर ये मीडियन है तो ये इसको दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बी डी इक्वल्स टू सी डी, और ऐसे क्यू एस और एस आर भी आ गए। राइट,
अब हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल एबीसी और डीएफ मतलब बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो बड़े वालों को करने के से पहले हम छोटे वालों को कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। क्या करो, छोटे वाले को कॉन्ग्रेंट कर लो। अब छोटे वाले को कैसे करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। भाई ए डी इक्वल्स टू पी एस, ए डी इक्वल्स टू पी एस। क्या ए डी और पी एस इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि ये तो मीडियन इक्वल थोड़ी ना होते हैं। बताइए बताइए, एडी और पीएस क्या किसी कारण से इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा, मीडियन इक्वल लेंथ है, ये जरूरी नहीं है ना। पर आपको साइड्स इक्वल दे रखी है, इसका मतलब ए बी इक्वल है पी क्यू के, गिवन है। क्वेश्चन को देखा करो सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास में, ठीक है। अच्छा एक काम, इसमें क्वेश्चन ही मिसप्रिंट कर दिया। इक्वल मीडियन ये गिवन है कि ये इक्वल है, ए डी इक्वल टू पी एस गिवन, ठीक है, गिवन है आपके पास में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में बी डी इक्वल हो जाएगा क्यू एस के, मिड पॉइंट है ये इसका, है कि नहीं? मिड पॉइंट है तो इक्वल होगा हमारे पास में। तो साइड साइड और साइड तो दोनों ट्राइंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए। किससे? बाय साइड 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 एस 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 से, राइट, एस 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 से आ गए। और सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, बाय सीपीसीटी, राइट। अब आ जाओ जो हमें प्रूफ करने हैं, बड़े वाले ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, बात करें ए बी सी और डी ई एफ की, क्योंकि इसने बोला साइड इक्वल है, इसका मतलब ए बी इक्वल हो गया डी के, डी नहीं सॉरी पी क्यू आर, डी इसको लिया है ना, पी क्यू आर। तो ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, है कि नहीं? और एंगल बी और एंगल क्यू तो हमने अभी प्रूव किया इक्वल, और बी सी इक्वल हो जाएगा ई एफ के सीपीसीटी, सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट से आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, बाय एस ए एस, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, समझ में आई बात? यही चीज तो प्रूफ करनी है। चलिए करिए फटाफट इसको।